उत्तराखंड के उली में हाल ही में आयोजित युद्ध अभ्यास के दौरान 18वें संस्करण के दौरान भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बैंड ने हिमालय की गोद में रॉक कंसर्ट किया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने लीड गिटारिस्ट की भूमिका निभाई थी। अमेरिकी सेना की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन ने उस रॉक कॉन्सर्ट का एक वीडियो शेयर किया है। उत्तराखंड के ओली में 9,544 फीट की ऊंचाई पर भारत और अमेरिकी सैनिकों ने करीब 12 दिनों तक युद्धाभ्यास किया। युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने उग्रवादियों से नागरिकों को छुड़ाकर उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया, दुश्मन को जंगल में ट्रैप में फंसाकर घेरा, साथ ही जरूरत पड़ने पर अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी कि गुत्थम गुत्था की लड़ाई में दुश्मन को चित किया। भारत और अमेरिकी सेना के बीच युद्धाभ्यास में वॉर गेमिंग की गई और फिर दोनों देशों के सैनिकों ने कई तरह की ट्रेनिंग एक साथ की। करीब 12 दिनों की एक्सरसाइज के बाद 29 और 30 नवंबर को इसका वैलिडेशन शुरू हुआ। और किसी भी एक्सरसाइज में वैलिडेशन का मतलब होता है कि एक्सरसाइज में जो ट्रेनिंग ली और जो प्लानिंग की उसे परखना। भारतीय और अमेरिकी सेना ने कई सिचुएशन को ध्यान में रखकर युद्ध अभ्यास किया। एमकेएन न्यूज़ की डेस्क रिपोर्ट।